Hi guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, then this is me खुशबू and मैं makeup के related videos ही बनाती हूँ. तो आज का video is about simple eye with red lipstick. As you can see, काफ़ी elegant सा लग रहा है. Yes, so start करते हैं video को. So firstly मैंने यहाँ पे moisturizer लिया है Pond's का. ये हर video में दिखाती हूँ मैं and ये मेरा favorite चल रहा है इसीलिए, so please don't mind. उसके बाद जस्ट रैंडमली अप्लाई करना है आपको. ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा है. नेक्स्टली मैंने यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम यूज़ किया है एंड इसे भी डैप डैप करके अप्लाई कर सकते हैं. आप चाहो तो विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, बट मैंने यहाँ पर फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड किया है. यस, तो ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड हुआ है. नेक्स्टली ना मैं यहाँ पे टेप ले रही हूँ. अब आप लोग सोचोगे टेप क्यों यहाँ, बिकॉज आई शेडो अप्लाई करने के लिए. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेप लगाए हैं, क्योंकि उससे जो भी हम आई शेडो लगाएंगे वो प्रॉपर जगह पे लगेगा एंड बिगनर के लिए तो काफ़ी अच्छा है. एंड सेंस मुझे भी आई शेडो लगाना उतना अच्छे से आता नहीं, आई एम ऑल्सो ट्राइंग, सो इसीलिए मैंने टेप से लिया है. यहाँ पे मैंने SFR कलर का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट लिया है. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगी. उसमें से ये वाला शेड पिक किया है मैंने एंड अच्छे से ब्लेंड करना है आपको. ये मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया था एंड आपको ना इन आउट के फॉर्म में ही ब्लेंड करना है. एंड ये टिप भी दे रही हूँ मैं, लाइक बोनस पॉइंट आप ऐसा कह सकते हो. दोज हुआ बिगनर्स, दे डोंट नो, तो ये टेक्निक से आप लगाओगे तो थोड़ा बहुत आपका लग जाएगा. वैसे तो प्रैक्टिस तो लगती है यार, ऑफकोर्स. यस, नेक्स्टली मैंने इसी पैलेट में से दूसरा शेड पिक किया था, लाइक मॉविश काइंड. दूसरी आंखों में भी सेम प्रोसीजर है, कोई ऐसा डिफरेंट आई लुक क्रिएट नहीं कर रही मैं, सेम है. उसके बाद से मैंने ये आई शेडो ब्रश, यू कैन से फ्लैट आई शेडो ब्रश, यहाँ से मैं ना लाइक मैंने कॉपर कलर, लाइक कॉपरिश था कुछ ऐसा, वो मैंने पिक किया था एंड इसे जस्ट मैं डैप कर रही हूँ मिड पे. ब्लेंड नहीं करना है हमें, जस्ट डैप करना है ताकि ये थोड़ा सा लाइक लुक को एनहांस कर दे. एंड सिंपल ये तो क्या हुआ, अच्छा तो लग रहा है ना, बस यही रखना चाहिए. नेक्स्टली फॉर द आई लाइनर, मैं यहाँ पे लेट इन का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे विंग क्रिएट किया है, बिकॉज सिंपल आई में अगर आप आई शेडो का कलर भी सिंपल रख रहे हो तो थोड़ा सा लुक को क्रिएट देने में लाइक, तो उस केस में आई लाइनर आपको विंग क्रिएट करना पड़ेगा. बाकी इट इज़ अप टू यू, आप कौन से चॉइस में कम्फर्टेबल है. काफ़ी आई लाइनर के टाइप्स आते हैं तो आप देख लेना. लाइक विंग आई लाइनर लगाना बहुत बड़ी बात है यार, लाइक लगता ही नहीं है सीरियसली. बहुत मैं धीरे धीरे से लगा रही थी, फिर जाके लगा था, एक आंख में परफेक्ट हुआ था एंड दूसरे आंख में तो वापस से वही बैंड बच चुकी है. आप देखना वीडियो में, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रही हूँ. तो आप देखो, लाइक अप टू द मार्क नहीं है, जैसे अपन ने लेफ्ट में देखा वैसे राइट में नहीं लगा है. मस्करा यूज़ कर रही हूँ मैं एंड मैं भी अभी बिगनर हूँ तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, सॉरी फॉर दिस. तो या हियर वी गो. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आईब्रो लाइक फ्लैट ब्रश, एंगल्ड फ्लैट ब्रश आती ना वही, उससे आईब्रो सेट किया था. उसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया था एंड ऑब्वियस आप है ना, जब भी लाइक आईब्रोज को फिल करें तो आपके, मेरी आईब्रोज तो प्योर ब्लैक है, तो भी उसको थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए आप ब्राउनिश कलर यूज़ कीजिए. अगर ब्लैक ब्लैक पे वो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड सा लगेगा. एज यू कैन सी काफ़ी परफेक्ट लगा है. आप बताइए, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा है आईब्रो, ठीक ठाक है या नहीं. यस, नेक्स्ट अवर लास्ट इज लिपस्टिक एंड ये लैक्मे का लिपस्टिक है, रेड रिवाइवल. 295 कॉस्ट है इसकी. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वंस अगेन मिल जाएगी. मैंने इसी को ब्लश के फॉर्म में भी यूज़ कर लिया था. स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करना है आपको. यस,
सो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, एंड ये काफ़ी सिंपल सा लुक है एज यू कैन सी, एंड बहुत ही अच्छा लगता है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके.